ये तस्वीर 52 साल के राकेश सविता की है। सामने उनकी बेवा पत्नी और 10वीं में पढ़ने वाली बेटी गीता है। 14 साल का बेटा माँ और बहन के रोटी के इंतजाम में पास के गांव गया है। 10 दिन पहले ही राकेश को बुखार आने लगा था। अचानक 26 अप्रैल को तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो अस्पताल ले जाया गया। भतीजा सुरेश कहता है कि दिन भर अस्पताल के बाहर खड़े रहे, किसी ने ना तो दवा ही दी और ना ही डॉक्टर ने हाथ लगाया। समय से दवा और ऑक्सीजन मिल जाती तो शायद राकेश बच जाते। इनको 15 तारीख को जुखाम खांसी बुखार आया, 16 तारीख को हम लोग ले गए अस्पताल। अस्पताल में उन्होंने जांच नहीं की, पहले प्राइवेट ले गए, फिर उन्होंने बोला जाओ सरकारी अस्पताल में जांच करवा के लाओ। मैंने हाथ भी जोड़े, पैर भी छुए, बहुत कहा उनसे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। कहीं बस जाओ यहाँ से जाओ, भगाते चले गए। फिर मैं प्राइवेट अस्पताल पे आया तो कहने देखो मैं इतना रिस्क नहीं उठा पाऊंगा। फिर मैं गया वहां पे, 10 बजे से लेकर मैं 3 बजे तक वहां बैठा रहा, कोई भी डॉक्टर ने कुछ छुआ ही नहीं, देखा। समय से इलाज नहीं मिला, सांसें उखड़ी और मौत हो गई। ये कहानी अकेले राकेश सविता की नहीं, कानपुर के घाटमपुर इलाके के पूरे परास गांव की है। राकेश की तरह गांव के ही सत्येंद्र गुप्ता और राजकुमार गुप्ता की भी ऐसे ही लक्षणों के साथ मौत हो गई। 3 से 4 दिन बुखार और फिर अचानक सांस उखड़ने लगी। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली, इलाज नहीं मिला और मौत हो गई। 2 सगे भाइयों की मौत ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। अरे अभी 15 तारीख कहानी बहुत डरेंगे, अब बहुत डरें के बाद में बुखार आओ है। अच्छा हाँ, फिर कैसे क्या हुआ, मतलब कितने दूसरे दिन फिर अस्पताल ले गए तो गाड़ी मिली नहीं मिली, दवा मिली? गाड़ी मिली, मतलब पर्ची अर्ची बनी है, रिपोर्ट भाई आशीर्वाद में, एक है बाद में कहने की हालत ले जाओ। वही राजकुमार का बेटा कह रहा है 5 दिन तक लगातार दौड़ने के बाद कोई भी सरकारी अस्पताल यानी जिस अस्पताल भर्ती करने को तैयार नहीं था। घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले आए थे लेकिन उससे पहले ही पापा ने दम तोड़ दिया। गांव में टेस्टिंग नहीं होती, जिन लोगों की टेस्टिंग में कोरोना की पुष्टि हुई उनका सिर्फ नाम पता लिख लिया गया, दवा तक नहीं दी गई और वो कोरोना संक्रमित गाँव में ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 दिन लगातार दौड़े हॉस्पिटलों में, कहीं भी एडमिट करने के लिए तैयारी नहीं होते कोई भी। क्या मांगते पहले, एंटीजन रिपोर्ट मांगते क्या? अरे भैया सब कुछ कराए, उसके बाद भी एडमिट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहते हैं दवा लिख दे रहे हैं कि आप अपना करवाइए जाके, गारंटी कोई नहीं लेते। परेशान हो कि वापस घर आ गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला। हमें ऑक्सीजन लगाया था, लगा ही नहीं पाए हम। ऑक्सीजन व्यवस्था की सब कुछ किया घर पे लेकिन ऑक्सीजन लगाने का मौका ही नहीं मिला। ये कहानी अकेले राकेश सविता या इस गुप्ता परिवार के नहीं है। कानपुर की 10,000 की आबादी वाले इस सबसे बड़ी ग्राम सभा में बीते 15 दिनों में करीब 30 लोगों की जान चली गई। किसी को 2 दिन पहले बुखार आया, अचानक से तबीयत बिगड़ी, सांस उखड़ने लगी, जब तक अस्पताल ले गए सांसें थम गई। गांव में पसरा ये सन्नाटा इक्का दुक्का नजर आते लोग, ये किसी लॉकडाउन की डर की वजह से नहीं है। इस गांव में मौत का खौफ लोगों को सता रहा है। जब हम गांव में पहुंचे तब लोग कोरोना के लक्षण से पूरे गांव में फैले संक्रमण की बात बताने लगे। गांव में ही एक गली ऐसी भी है जहां एक साथ 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परास गांव में लगातार हो रही मौतों के पीछे वजह जो भी हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हाल क्या हैं ये बंद पड़ा पीएचसी बता रहा है। करीब 1 साल से कहते हैं कि ये इस पीएचसी का ताला ही नहीं खुला। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहां पर सरकारी सेवाओं की बदहाली का आलम यह हो कि 1 साल से पीएचसी ना खुला हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना खुला हो, वहां पर क्या सरकारी इमदाद पहुंचती होगी, क्या स्वास्थ्यकर्मी पहुंचते होंगे और क्या स्वास्थ्य की सेवाएं इस गांव में पहुंच रही होंगी। गांव में 14 लोगों के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई लेकिन संक्रमण पूरे गांव में फैला हुआ है। गांव वालों से इलाज के लिए सरकारी अस्पताल का पूछा तो पता चला कि पीएचसी का तो 1 साल से ताला ही नहीं खुला, डॉक्टर तो दूर, स्वास्थ्य विभाग का एक मुलाजिम भी गांव में नहीं आया। हमारे यहां परास में लगभग 20 आदमी चले गए, हमारे गांव से 2 आदमी 3 आदमी स्पैर हो गए, भैरमपुर से खुद
कोरोना पॉजिटिव पे। आपसे परिवार में भी बहनों? हाँ, बहनों साहब की हमारी मृत्यु हुई, हमारे भाई साहब की भी मृत्यु हुई, चचेरे भाई साहब हैं। क्या मतलब एकदम से कैसे हो गया ये गांव में? मतलब परास गांव की अगर हम बात करें तो क्या सभी के लक्षण ऐसे थे, एंटीजन टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, क्या एकदम से संक्रमण कैसे फैला? अभी हमको उस दिन रिपोर्ट मिली थी तहसीलदार साहब के द्वारा या उनके लेखपाल साहब के द्वारा, 45% परास में कोरोना हर घर पे है। हर एक घर में अगर 5 लोग हैं तो उनके पास 2 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं उस दिन जांच पे। ये किसकी जांच में आया? ये जांच उस दिन तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब की जांच करवा रहे थे। हम हर घर पे 1-2 लोग। बड़े बड़े शहरों में जैसे अप्रैल के शुरू से ही कोरोना का तांडव शुरू हो गया था, वैसे हालात में पंचायत चुनाव की चोट भी गांव देहातों पर भारी पड़ेगी, ये संकेत पहले ही दे दिए गए थे। सवाल यह है कि जब इस कोरोना ने मेट्रो शहरों की कमर तोड़ कर रख दी तो इस गांव की सुध लेने वाला कौन होगा? यहां की व्यवस्थाएं किसके भरोसे होंगी वो तो भगवान ही जाने।